टॉपिक की तरफ जो है लॉ ऑफ इनर्शिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आज अपन प्रैक्टिकल करने वाले। लॉ ऑफ इनर्शिया जो मैंने ऊपर समझाया वो यही है, पर इसकी प्रॉपर्टी ध्यान सुनो। इफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है, एट रेस्ट रुका हुआ है, तो वो क्या चाहेगा, इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है वो रुका रहेगा। टेंड्स टू रिमेन का मतलब होता है कि वो अंदर से खुद भी चाहता है कि मैं रुका रहूं, समझ रहे हो, वो ऑब्जेक्ट की खुद की प्रॉपर्टी कि अगर वो रुका हुआ है तो वो खुद चाहता है कि मैं रुका रहूं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। और एक ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी अगर वो चल रहा है तो वो भी उसमें क्या कर रहा है, देखो इफ इट इज मूविंग, अगर वो चल रहा है इट टेंड्स टू कीप मूविंग, तो यहां पर वो क्या चाहता है कि मैं चलता रहूं, अब मैं रुकू ना, इस प्रॉपर्टी को भी क्या कहते हैं, इनर्शिया। यानी जिस स्टेट में वो है उसी स्टेट में वो रहना चाहता है, इसी को बोलते हैं इनर्शिया, ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब यहां प्रैक्टिकल देखो ध्यान से, यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं बताओ, पहले थ्री है, एक ऑब्जेक्ट हमने नीचे रखा, एक ऑब्जेक्ट बीच में रखा कार्ड, और तीसरा ऑब्जेक्ट हमने ऊपर रखा कॉइन। अब इसमें अपन क्या देख रहे हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया कैसे काम करता है। अब देखो इसमें क्या है, तीन ऑब्जेक्ट हैं, अभी तीनों ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पोजीशन पे हैं, कैसे, अब इन रेस्ट पोजीशन पे अपन क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं इस कार्ड पर, एक फ्लिक मारेंगे अच्छे से फिंगर से अपन इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से ये स्टेट जो है अपनी मूविंग में स्टेट कर ले, कौन सी स्टेट कर ले, मूविंग स्टेट में आ जाए। तो ध्यान से देखना कि अगर ये मूव कर रहा होगा कार्ड तो ऊपर वाला सिक्का जो है वो उससे अटैच नहीं है, अगर वो चिपका होता तो हम इस पूरे को एक ही ऑब्जेक्ट बोलते हैं, अगर एक ग्लू से चिपका होता तो हम इस पूरे को क्या बोलते थे, एक ऑब्जेक्ट। अब ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, तो इसकी इनर्शिया क्या कहती है कि ये रुका रहेगा, और इसकी इनर्शिया क्या कहती है कि जैसे इस पे अप्लाई होगा तो ये भागने लग जाएगा। अब इससे हमें क्या पता चलेगा कि देखो कहां गया कॉइन, कहां गया, ये कहां गया, आगे। ध्यान से देखो कि वो कहां था, इसके ऊपर, उसके वैसे नॉर्मली क्या होना चाहिए, उसके साथ चला जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो उस पर अटैच नहीं था, तो उसकी इनर्शिया थी कि वो रुका रहे, और इसकी इनर्शिया थी कि ये चलता रहे, समझे, तो इसको फोर्स मिला ये निकल गया, और वो उसकी इनर्शिया की वजह से वही रुका रहा, इस वजह से वो कहां चला गया, बोतल के अंदर। समझ में आया बात, कंप्लीट, ठीक है।